ये क्या मसला है कि यूसी 85 में इधर इतने कचरे के ढेर है, क्या वजह, कोई आते नहीं इंतजामिया उठाने के लिए? कोई भी मोस्टली कोई भी नहीं आता, जाते हैं क्लेम वगैरह लिखवाते हैं, कंप्लेन वगैरह लिखवाते हैं, कोई भी इधर से आना जाना नहीं है। मेट्रो कॉर्पोरेशन का दफ्तर है पास तो, लेकिन फिर भी क्या कहने कि उनके पास ये क्या लगे चंद कदमों पे ये इतना बुरा हाल है। वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान मलिक। नाज़रीन इस वक्त मौजूदा लाहौर के इलाके रहमानपुरा यूसी 85 में। नाज़रीन ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इधर ये इतने कचरे के ढेर हैं कि यकीन माने कि इतना ये ताफुन यहाँ से उठ रहा है कि आपको मैं बता नहीं सकता। और जो इधर के लोग हैं, जो रहायशी हैं, वो बड़े परेशान हैं क्योंकि ये कचरा एक दिन नहीं होता, ये हर रोज़ यहाँ पर इतने कचरों के ढेर लगे रहते हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि बहुत ही बुरे हालात हैं इधर। इसके साथ ही आप दूसरी साइड पर देखेंगे तो रहायश है ये मेरे, आप ये उल्टे आप देख सकते हैं कि इधर ये सारी ये रिहायश है। ये छोटा सा एक पार्क है जहाँ पे बच्चे आते हैं सुबह ये घूमने के लिए, लेकिन ये है कि इधर बड़ी मुश्किलात लोगों में ये परेशान है कचरे की वजह से। और ये आप मेरे ये राइट साइड पे देख सकते हैं, ये स्कूल है जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल है और ये बॉय हाई स्कूल है। ये जब से ये स्कूल बंद हुए हैं तो स्कूल के बिल्कुल ही अपोजिट ये कचरे के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। इधर जो लोग हैं, इधर जो रहायशी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या मसला है कि यूसी 85 में इधर इतने कचरे के ढेर हैं, क्या वजह, कोई आते नहीं इंतजामिया उठाने के लिए? कोई भी मोस्टली कोई भी नहीं आता, जाते हैं क्लेम वगैरह लिखवाते हैं, कंप्लेन वगैरह लिखवाते हैं, कोई भी इधर से आना जाना नहीं है, सब गुजरते हैं। रायशा सामने हमारी घर में है, ठीक है, कोई इधर आना जाना नहीं है, किसी का भी आना जाना कोई देखता ही नहीं है। हालांकि सामने इनका ऑफिस है, ठीक है, किसी को कोई पेन ही लेता, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, ठीक है, पेन कोई लेता नहीं है, इतना कचरे का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। तो क्या वजह के लोग दावे तो बड़े करते थे नया पाकिस्तान, ये क्या वजह के इतने ये कचरे के ढेर हैं, क्या वजह के आते नहीं हैं वो उठाने के लिए कचरा, की क्या मसला है? ये बस हम यही कहते हैं नई तब्दीली आई है, हम तो यही कह सकते हैं कि तब्दीली नहीं आई है जिसकी वजह से हम ये सूरत हाल देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नया साल चढ़ने के बावजूद भी यही हाल रहेगा? मोस्टली नज़र आ रहा है आपके सामने ही है, नज़र आ रहा है कि ऐसे रहेगा ये सब कुछ। जी देखा आपने, ये एक इधर के रहायशी हैं, उनका यही कहना था कि इधर हमने बहुत दफ़ा कंप्लेन भी करवाई है और कोई भी नहीं आके इसको कचरे को उठाता, कि हमें बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो इसका ताफुन है वो बहुत ज़्यादा उठता है। और दूसरी बात ये है कि जो इंतज़ामिया है वो कहने की अपनी नाअहली का सबूत दे रही है कि इतने कचरे हैं, ढेर लगे हुए हैं, ये एक जगह नहीं है, ये पूरे लाहौर में आप कहीं पर भी चले जाएँ कि उधर इतने बुरे हालात हैं कचरे के, मैं आपको क्या बताऊँ। जी इस वक्त एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है जो इधर के रहायशी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी बताइएगा कि इतने ही यहाँ पे कचरे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, सीधी सी जो बात है, हम लोग ना कंप्लेन कर कर के थक गए हैं। मेरा ना वो सामने दुकान है लकड़ी की, तो क्या कहते हैं, अक्सर हम लोग इनके ऑफिस जाते हैं, कंप्लेन करके आते हैं, आगे से ना ये लोग हमें इग्नोर कर देते हैं कि हम लोग कोई बंदा भेज रहे हैं, मगर कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। ये कूड़ा जब का ये स्कूल बंद हुआ हुआ है ना, तब का यहाँ पे कूड़े के ढेर लग रहे हैं और लोग भी नहीं रुक रहे हैं कूड़े पे, कूड़ा देख के और कूड़ा फेंकी जा रहे हैं। ये बिल्कुल थोड़ा सा कूड़ा था और लोगों ने देखते देखते सारों ने यहाँ पे गंद मचा दिया। तो क्या वजह है कि ये पास ही इनका मेट्रो कॉर्पोरेशन का दफ्तर है पास तो, लेकिन फिर भी क्या कहने कि उनके पास ये क्या लगे चंद कदमों पर ये इतना बुरा हाल है? वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे बच्चे आते हैं, यानी कि छोटे बच्चे यहाँ पे ग्राउंड में आते हैं अक्सर खेलने के लिए, तो इससे 100 बीमारियाँ पैदा होती हैं। आगे ही आपको पता है कि ये जो कोरोना वाला सीन चल रहा है, उसके अलावा अब ये कूड़ा करकट से जाहिर सी बात है बीमारियाँ पैदा होती हैं। 100 तो उन्हें ख्याल करना चाहिए कि देखें भाई यहाँ पर सामने स्कूल है, कल को स्कूल खुल जाना है, तो इसका कुछ ना कुछ तो हल करें ना वो। तो आप इंतज़ामिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि उनसे यानी कि गुजारिश ही है कि इसको साफ़ करवा दें, जितने जल्द अज़ जल्द साफ़ करवा सकते हैं ना, इसको साफ़ करवा दें वो लोग। जी आपने बात सुनी है, शहरियों का यही कहना है कि जी हमारी यही गुजारिश है इनसे कि यहाँ से कचरा उठाया जाए और जो कचरा फेंकते हैं उनको भी पकड़ा जाए। इंशाल्लाह हम फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। कैमरामैन अब्दुलरहमान के साथ मोहम्मद रिजवान मलिक, जहां न्यूज़ HD लाहौर। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।